ये वीडियो एक कंप्लीट गाइडेड मेडिटेशन है ओसीडी एंजाइटी के पेशेंट्स के लिए। ओसीडी के बहुत सारे पेशेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि सुइसाइडल थॉट्स आते हैं या फिर वो एक ही एक्टिविटी को बार बार करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स प्रेजेंट से डिसकनेक्ट हो जाते हैं और उनके अंदर एक लो वाइब्रेशन आ जाता है और वो इनसिक्योर हो जाते हैं, वो प्रेजेंट से डिसकनेक्ट हो जाते हैं, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही लूज हो जाता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक रामबाण मेडिटेशन है। आप इसे 2 मिनट 10 मिनट जितना भी कर सकते हैं उतना करेंगे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पाएंगे प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए, क्योंकि इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रेजेंट मोमेंट से खुद को कनेक्ट करना। और जैसे जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट होते जाएंगे ये प्रॉब्लम अपने आप पीछे छूटती चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए करना क्या है, आँखों को बंद कर लें एंड सबसे पहले बाहर की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें, या जैसे कि मुझे एसी की आवाज़ सुनाई दे रही है और इन सारे साउंड को आपको बहुत धीरे धीरे ठहराव के साथ सस्टेन्ड विजुअलाइजेशन करना है। जैसे कि मुझे एसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, हल्के हल्के पंखे की आवाज़ सुनाई दे रही है, बाहर से चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, दूर कहीं किसी बाइक के हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है, एंड इन सारे साउंड की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप ये भी ध्यान देने की कोशिश करें कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है। आप डिस्टेंस को समझ सकते हैं उसके साउंड की फ्रिक्वेंसी से। जैसे कि मुझे बस की आवाज़ सुनाई दी, बाइक की आवाज़ सुनाई दी, बाहर किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ सुनाई दी, किसी डॉगी की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, एंड नाउ ट्राई करें कोई स्मेल आपको अगर महसूस हो रहा है तो उसे महसूस करने की कोशिश करें। अगर जैसे कि मैंने कोई परफ्यूम लगाया है तो उसकी स्मेल को महसूस करने की कोशिश करें। एक एसी की ठंडी ठंडी स्मेल को भी मैं महसूस कर सकती हूँ। एंड बारिश की भी एक अलग काइंड ऑफ स्मेल आई कैन इजीली फील। अब आप किस जगह पे बैठे हैं उसको महसूस करने की कोशिश करें, किस तरह बैठे हैं उस पर ध्यान दें, अपने बॉडी पोस्चर पर ध्यान दें कि आपके कंधे सीधे होने चाहिए, आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आप जहाँ पे बैठे हैं उसे फील करने की कोशिश करें। इस तरह हम प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से आ चुके हैं एंड नाउ अब हम अपने अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती और जाती हुई सांसों पर ध्यान देंगे। ये एक अलग आनंद की अनुभूति देता है, एक इनहेल और एक्सहेल। इसे जितना हो सके स्लोली एंड स्लोली फील करें। अब आप अपने धड़कन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, अपने धड़कन को किस तरह ध्यान दें कि वो तेज़ चल रही है कि स्लो चल रही है, अपनी सांसों को जितना हो सके लंबा करें, धीमे धीमे सांस लें और इस सांस लेने के आनंद को महसूस करें। क्या बॉडी में कहीं पर भी आपको कोई सेंसेशन फील हो रहा है उसे महसूस करें। अब आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ चुके हैं और धीमे धीमे 1 से 10 तक गिनें।
एंड नाउ अपने आप को इमेजिन करें एक हंसता हुआ, एक कॉन्फिडेंट चेहरा अपना, बहुत अच्छी सी ड्रेस आपने पहनी हुई है, बहुत मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा है एंड बिल्कुल आप हेल्दी फिट एंड फाइन और एकदम कॉन्फिडेंट हैं। अब अपने आप को आईने के सामने देखें, अपना बेस्ट हेल्दी वर्जन, और उसे इन्जॉय करें कि आप कितने हेल्दी और कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल अपना एक अच्छा सा बेस्ट वर्जन देखें, एक परफेक्ट फिगर, परफेक्ट चेहरे के साथ, परफेक्ट स्माइल के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को देखें एंड अप्रिशिएट करें एंड अपना नाम लें। जैसे कि मैं कहूँगी कि वाव ब्यूटी, तुम कितनी खूबसूरत हो, वाव तुम कितनी अच्छी लग रही हो, और इस ड्रेस में तो तुम और भी अच्छी लगती हो। अपना नाम लें, बार बार अपना नाम लें और कहें कि तुम बिल्कुल हेल्दी हो, तुम बिल्कुल सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, एकदम फिट एंड फाइन हो। आज कहीं घूमने जाते हैं, आज का दिन बहुत आनंद से भरा हुआ दिन है और तुम एकदम परफेक्ट हो। एंड इस इमेज को मेंटल स्क्रीन पर थोड़ी देर विजुअलाइज करें, अपना एक बेस्ट वर्जन प्रेजेंट में देखें, अभी में, कि अभी आप बिल्कुल हेल्दी सेहतमंद तंदुरुस्त हैं। एंड अब आप आईने में अपना वर्जन देखें और उसे इमेजिन करें, और अब उससे थोड़ी देर 5 मिनट बातें करें, बिल्कुल जैसे कि सिर्फ आप और आप ही हैं, और बैक ऑफ द माइंड में क्या बातें चल रही हैं, क्या आपके माइंड में चल रहा है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है ये उसी तरह है कि अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो वो थॉट्स आएगी और चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह से कि रास्ते में ट्रैफिक आता है और जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि कितने लोग रास्ते में आए और गए, जब तक कि हम किसी पे फोकस ना करें, क्योंकि कोई भी वेव मैनिफेस्ट तब तक नहीं होगी जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिस तरह की हर एक चीज़ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, ये वेव है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जैसे ही हम ऑब्जर्वर इफेक्ट यहाँ पे आता है कि जैसे ही हम इस पे फोकस करते हैं, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, यानी कि जब हम इस पे फोकस करते हैं तब ये मैटर के रूप में मैनिफेस्ट होगा, यानी कि हम इस पे फोकस करेंगे तभी हमें डर, एंग्जाइटी कुछ भी आएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जानबूझकर नहीं सोचती, ये अपने आप चल रहा होता है। तो जो चीज़ अपने आप चल रही होती है तो उस पे ध्यान नहीं देंगे तो वो अपने आप चली भी जाएगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग, जैसे कि ये अकेले में अगर आप बैठे हैं तो अचानक से लगेगा कि कहीं कोई पीछे है तो नहीं, जबकि कोई होता तो नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ लोग इस पे फोकस करने लगते हैं, उन्हें एक हैलुसिनेशन की प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। तो मेन प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है फोकस करने की। आप नहीं फोकस करेंगे, प्रेजेंट मोमेंट की छोटी से छोटी चीज़ों पे फोकस करने लगेंगे, आपका ध्यान बिल्कुल भी हट जाएगा, एंड अपने आप को जितना हो सके प्रेजेंट में इंगेज करने की कोशिश करें, अपने आप को प्रेजेंट में स्टार्ट करें। छोटी से छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस जब आप ढूंढेंगे, और जब एक हैप्पीनेस का लेवल छोटी से छोटी माइनर से माइनर चीज़ पर जब आप करने लगेंगे, एक हैप्पीनेस का लेवल आ जाएगा, एंड देन अब आप कोई भी बड़े काम करने के लिए तैयार हैं। तो पहले एक ग्राउंड स्टेट से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करें, छोटी से छोटी चीज़ में हैप्पीनेस के साथ, और तब बड़े काम करने के लिए यू आर रेडी। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, इसे अप्लाई करें, एंड OCD ओवर थिंकिंग कोई भी चीज़, ये बिल्कुल भी आप अपने आप से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।